दोस्तों अगर पुराणों की बात करें तो पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी से अत्र, अत्र से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध और बुध से इलानंदन पुरुरावा का जन्म हुआ। दोस्तों पुरुरावा से आयु, आयु से राजा नहुस और नहुस से ययाति उत्पन्न हुए। दोस्तों ययाति से पुरु हुए, पुरु के वंश में भरत और भरत के कुल में राजा कुरु हुए। दोस्तों कुरु के वंश में आगे चलकर राजा प्रतीप हुए, जिनके दूसरे पुत्र थे शांतनु। दोस्तों शांतनु का बड़ा भाई बचपन में ही शांत हो गया था। दोस्तों शांतनु के गंगा से देवव्रत हुए। भीष्म ने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली थी, इसलिए वंश आगे नहीं चल सका। भीष्म अंतिम कौरव थे। दोस्तों ये वो काल था जब देवी और देवता धरती पर विचरण किया करते थे। किसी खास मंत्र द्वारा उनका आह्वान करने पर वो प्रकट हो जाया करते थे। दोस्तों इन्हीं देवताओं के कुल में से एक माँ गंगा भी हैं। दोस्तों आखिर गंगा ने क्यों शांतनु से विवाह किया था? दोस्तों पुत्र की के कामना से शांतनु के पिता महाराज प्रतीप ने गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके तप रूप और सौंदर्य पर मोहित होकर गंगा उनकी दाहिनी जंगा पे आके बैठ गई और कहने लगी, राजन मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, मैं झनु ऋषि की पुत्री गंगा हूँ। इस पर राजा प्रतीप ने कहा, गंगे तुम मेरी दाहिनी जंगा पर बैठी हो, जबकि पत्नी को तो वामांगी होना चाहिए। दाहिनी जंगा तो पुत्र का प्रतीक है, अतः मैं तुम्हें अपने पुत्र वधु के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। ये सुनकर गंगा वहाँ से चली गई। दोस्तों जब महाराज प्रतीप को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उसका नाम शांतनु रखा और इसी शांतनु से गंगा का विवाह हुआ। गंगा से उन्हें 8 पुत्र मिले, जिसमें से 7 को गंगा नदी में बहा दिया गया और 8वें पुत्र को पाला पोसा। दोस्तों उनके 8वें पुत्र का नाम देवव्रत था। यही देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म कहलाए। दोस्तों शांतनु ने अपने पिता प्रतीप की आज्ञा से गंगा के पास जाकर उनसे विवाह करने के लिए निवेदन किया था। गंगा तो शांतनु के पिता पर आसक्त हुई थी। तब गंगा ने कहा, राजन मैं आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको वचन देना होगा कि आप मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शांतनु ने गंगा को वचन देकर विवाह कर लिया। दोस्तों गंगा के गर्भ से महाराज शांतनु को 8 पुत्र हुए, जिनमें से 7 को गंगा ने गंगा नदी ले जाकर बहा दिया। वचन की वधि होने के कारण शांतनु कुछ नहीं बोल पाए। जब गंगा का 8वां पुत्र हुआ तो उसे भी नदी में बहाने के लिए ले जाने लगी, तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने इस कार्य को करने से गंगा को रोक दिया। गंगा ने कहा, राजन आपने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी है, इसलिए अब मैं आपके पास नहीं रह सकती। इतना कहकर गंगा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। दोस्तों महाराज शांतनु ने अपने उस पुत्र को पाला पोसा और उसका नाम देवव्रत रखा। देवव्रत के किशोरावस्था होने पर उसको हस्तिनापुर का युवराज घोषित किया गया। दोस्तों यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म कहलाए। दोस्तों एक बार धू नामक वसु ने वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु का हरण कर लिया। इसे वशिष्ठ ऋषि ने धू से कहा कि ऐसा काम तो मनुष्य करते हैं, तुम 8 वसु मनुष्य हो जाओ। ये सुनकर वसुओं ने घबराकर वशिष्ठ जी की प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा, अन्य वसु तो वर्ष का अंत होने पर मेरे हिसाब से छुटकारा पा जाएंगे, लेकिन इस धू को अपनी करने का फल भोगने के लिए एक जन्म तक मनुष्य बनकर पीड़ा भोगनी होगी। ये सुनकर वसुओं ने गंगा जी के पास जाकर उन्हें वशिष्ठ जी के श्राप को विस्तार से बताया और ये प्रार्थना की कि आप मृत्युलोक में अवतार लेकर हमें गर्भ में धारण करें और जैसे ही हम जन्म लें हमें पानी में डुबो दें, इस तरह हम सभी जल्दी से जल्दी मुक्त हो जाएंगे। गंगा माता ने इसे स्वीकार कर लिया और वो युक्तिपूर्वक राजा शांतनु की पत्नी बन गई और शांतनु से वचन भी ले लिया। दोस्तों शांतनु से गंगा के गर्भ में जो पहले 7 पुत्र पैदा हुए, वो उन्हें उत्पन्न होते ही गंगा जी के पानी में डुबो दिया, जिसमें से 7 वसु तो मुक्त हो गए, लेकिन 8वें में शांतनु ने गंगा को रोककर इसका कारण जानना चाहा। गंगा जी ने राजा की बात मानकर वसुओं को वशिष्ठ के श्राप का सारा हाल कहकर सुनाया। राजा ने उस 8वें पुत्र को डुबोने नहीं दिया और इस वचन भंगता के कारण गंगा 8वें पुत्र को सौंप कर अंतर्ध्यान हो गई। यही बालक धू नामक वसु था। एक दिन देवव्रत के पिता शांतनु यमुना के तट पर घूम रहे थे। उन्हें नदी में नाव चलाती एक सुंदर कन्या नजर आई। शांतनु तो उस कन्या पर मुग्ध हो गए। महाराजा ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवी तुम कौन हो? उसने कहा, महाराज मेरा नाम सत्यवती है, मैं एक निषाद कन्या हूँ। दोस्तों उस काल में निषाद नाम की एक जाति होती थी।
महाराज उसके रूप यौवन पर रेज कर उसके पिता के पास पहुँचे और सत्यवती के साथ अपने विवाह का प्रस्ताव किया। इस पर धीवर ने कहा, राजन, मुझे अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करने में कोई आपत्ति नहीं, किंतु मैं चाहता हूँ कि मेरी कन्या के गर्भ से उत्पन्न पुत्र को आप अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाएं, तो ही ये विवाह संभव हो पाएगा। दोस्तों, निषाद के इन वचनों को सुनकर महाराज शांतनु चुपचाप हस्तिनापुर लौट आए और मन ही मन इस दुख से घुटने लगे। सत्यवती के वियोग में महाराज व्याकुल रहने लगे और उनका शरीर भी दुर्बल हो गया। दोस्तों, महाराज की इस दशा को देखकर देवव्रत को चिंता हुई। जब उन्होंने मंत्रियों द्वारा पिता की इस बात का पता चला तो दोस्तों वो निषाद के घर जा पहुँचे और उन्होंने निषाद से कहा, हे निषाद, आप सहर्ष अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह मेरे पिता शांतनु के साथ कर दें। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी पुत्री के गर्भ से जो भी बालक जन्म लेगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। कालांतर में मेरी कोई संतान आपकी पुत्री के संतान का अधिकार छीन ना पाए, इस कारण से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजन्म अविवाहित रहूँगा। उनकी इस प्रतिज्ञा को सुनकर निषाद ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवव्रत, ये आपकी प्रतिज्ञा अभूतपूर्व है। इतना कहकर निषाद ने तत्काल अपनी पुत्री सत्यवती को देवव्रत तथा उनके मंत्रियों के साथ हस्तिनापुर भेज दिया। दोस्तों, देवव्रत जब निषाद कन्या सत्यवती को लाकर अपने पिता शांतनु को सौंपते हैं तो शांतनु की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। शांतनु प्रसन्न होकर देवव्रत से कहते हैं, हे पुत्र, तूने पितृभक्त की वशीभूत होकर ऐसी कठिन प्रतिज्ञा की जो ना आज तक किसी ने की है ना ही भविष्य में कोई कर पाएगा। तेरी इस पितृभक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तेरी मृत्यु तेरी इच्छा से ही होगी। तेरी इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने के कारण तू भीष्म कहलाएगा और तेरी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से सदैव प्रख्यात रहेगी। दोस्तों, सत्यवती के गर्भ से महाराज शांतनु को चित्रांगद और विचित्रवीर नाम के दो पुत्र हुए। दोस्तों, शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद राजा बनाए गए, किंतु गंधर्वों के साथ युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। जब विचित्रवीर बालक ही थे फिर भी भीष्म विचित्रवीर को सिंहासन पर बैठाकर खुद राजकार्य देखने लगे। विचित्रवीर के युवा होने पर भीष्म ने बलपूर्वक काशीराज की तीन पुत्रियों का हरण कर लिया और वो इसका विवाह विचित्रवीर से कराना चाहते थे, क्योंकि भीष्म चाहते थे किसी भी तरह अपने पिता शांतनु का कुल बढ़ा सके। लेकिन बाद में बड़ी राजकुमारी अम्बा को छोड़ दिया गया क्योंकि वो शाल्वराज को चाहती थी। अन्य दोनों का विवाह विचित्रवीर के साथ कर दिया, लेकिन विचित्रवीर को दोनों में से कोई संतान नहीं हुई और वो भी चल बसा। एक बार फिर गद्दी खाली हो गई। सत्यवती शांतनु का वंश तो डूब गया और गंगा शांतनु के वंश ने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले ली। अब हस्तिनापुर की राजगद्दी फिर से खाली हो गई। दोस्तों, विचित्रवीर के युवा होने पर उनके विवाह के लिए भीष्म ने काशीराज की तीन कन्याओं का बलपूर्वक हरण कर लिया था, जिनमें से एक को शाल्वराज पर अनुरक्त होने के कारण छोड़ दिया गया। दोस्तों, लेकिन शाल्वराज के पास जाने के बाद अम्बा को शाल्वराज ने स्वीकार करने से मना कर दिया। दोस्तों, अम्बा के लिए काफ़ी दुखदायी स्थिति हो चली थी। अम्मा ने अपनी इस दुर्दशा के कारण भीष्म को समझकर उनकी शिकायत परशुराम जी से की। दोस्तों, परशुराम जी ने अन्याय के खिलाफ लड़ने की ठानी। परशुराम जी ने भीष्म से कहा कि तुमने अम्बा का बलपूर्वक अपहरण किया है, अतः अब तुम्हें इससे विवाह करना होगा, अन्यथा मुझसे युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। भीष्म और परशुराम जी का 21 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। अंत में ऋषियों ने परशुराम जी को सारी व्यथा कथा सुनाई और भीष्म की स्थिति से भी उनको अवगत कराया। तब कहीं परशुराम जी ने ही युद्ध विराम किया। इस तरह भीष्म द्वारा लिए गए ब्रह्मचर्य के प्रण पर वो अटल रहे। दोस्तों, सत्यवती के शांतनु से उत्पन्न दोनों पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर की मृत्यु हो जाने के बाद सत्यवती भीष्म से बार बार अनुरोध करती है कि पिता के वंश को चलाने के लिए अब तुम्हें विवाह कर पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, भीष्म अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। ऐसे में सत्यवती विचित्रवीर की विधवा अम्बालिका और अंबिका को नियोग प्रथा द्वारा संतान उत्पन्न करने का सोचती है। दोस्तों, भीम की अनुमति लेकर सत्यवती अपनी पुत्र वेदव्यास द्वारा अंबिका और अम्बालिका के गर्भ से यथाक्रम धृतराष्ट्र और पांडु नाम के पुत्रों को उत्पन्न करवाती है। दोस्तों, शांतनु से विवाह करने के पूर्व सत्यवती ने अपनी कुंवारी अवस्था में
ऋषि पारासर के साथ सहवास कर लिया था, जिससे उनको वेदव्यास नामक एक पुत्र हुआ था। वे अपने इसी पुत्र से अंबिका और अंबालिका के साथ संयोग करने को कहती हैं। इस तरह ये कुल ऋषि कुल कहलाता है। दोस्तों, भीष्म पितामह ने विवाह नहीं करके ब्रह्मचर्य का पालन किया। उन्होंने अविवाहित रहकर भी इस व्रत का कठोरता से पालन किया था। इसके लिए वो योगारूढ़ होकर ब्रह्म का ध्यान किया करते थे। उनके समस्त श्री कृष्ण बच्चे ही थे, लेकिन उन्होंने कृष्ण को भगवान रूप में पहचान लिया था। वो सदा कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे। दोस्तों, महाभारत के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने निहत्थे रहकर अर्जुन को रथ हाँकने की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन भीष्म ने उनसे शस्त्र ग्रहण करने का वचन ले लिया था। दोस्तों, कृष्ण के लिए धर्म संकट की स्थिति बन गई। अंत में भक्त की लाज रखने को जब श्री कृष्ण रथ का पहिया लेकर दौड़ पड़े, तब भीष्म ने हथियार रख दिए और श्री कृष्ण के हाथों मारे जाने में अपनी मुक्ति समझने लगे। दोस्तों, कृष्ण ने ऐसा करके अपने हथियार न धारण करने की प्रतिज्ञा भी पूरी की और भीष्म के कहने पर हथियार धारण करने का वचन भी पूरा कर लिया। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से सेनापति थे। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने पर प्रधान सेनापति की हैसियत से भीष्म ने 10 दिनों तक घोर युद्ध किया। दोस्तों, 9वें दिन भयंकर युद्ध हुआ, जिसके चलते भीष्म ने बहादुरी दिखाते हुए अर्जुन को घायल करके उनके रथ को जर्जर कर दिया। युद्ध में आखिरकार भीष्म के भीषण संहार को रोकने के लिए कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी। दोस्तों, उन्होंने जर्जर रथ को देखकर श्री कृष्ण रथ का पहिया लेकर भीष्म पे झपटते हैं, लेकिन वो शांत हो जाते हैं। परंतु इस दिन भीष्म पांडवों की सेना का अधिकांश भाग समाप्त कर देते हैं। दोस्तों, 10वें दिन भीष्म द्वारा बड़े पैमाने पर पांडवों की सेना को मार देने से घबराए पांडव पक्ष में भय फैल जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडव भीष्म के सामने हाथ जोड़कर उनसे उनकी मृत्यु का उपाय पूछते हैं। भीष्म कुछ देर सोचने पर उपाय बता देते हैं। दोस्तों, 10वें दिन इच्छा मृत्यु प्राप्त भीष्म द्वारा अपनी मृत्यु का रहस्य बता देने के बाद भीष्म पांचाल तथा मत्स्य सेना का भयंकर संहार कर देते हैं। फिर पांडव पक्ष युद्ध क्षेत्र में भीष्म के सामने शिखंडी को युद्ध करने की लगा देते हैं। दोस्तों, युद्ध क्षेत्र में शिखंडी को सामने डटा देखकर भीष्म अपने अस्त्र शस्त्र ताक देते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर कृष्ण के इशारे पर बड़े ही बेमन से अर्जुन ने अपने बाणों से भीष्म को छेद दिया। दोस्तों, भीष्म बाणों की सरसैया पर लेट जाते हैं। दोस्तों, दरअसल भीष्म ने अपनी मृत्यु का रहस्य ये बताया था कि वे किसी नपुंसक व्यक्ति के समक्ष हथियार नहीं उठाएंगे, इसी दौरान उन्हें मारा जा सकता है। इस नीति के तहत युद्ध में भीष्म के सामने शिखंडी को उतारा जाता है। दोस्तों, भीष्म को अर्जुन तीरों से छेद देते हैं। वो कराहते हुए नीचे गिर पड़ते हैं। जब भीष्म की गर्दन लटक जाती है, तब वे अपने बंधु बांधवों और वीर सैनिकों को क्या कहते हैं। दोस्तों, भीष्म की सरसैया पर लेटने की खबर फैलने पर कौरवों की सेना पे हाहाकार मच जाता है। दोनों दलों के सैनिक और सेनापति युद्ध करना छोड़कर भीष्म के पास एकत्र हो जाते हैं। दोनों दलों के राजाओं से भीष्म कहते हैं, राजनगढ़ मेरा सिर नीचे लटक रहा है, मुझे उपयुक्त तकिया चाहिए। उनके आदेश पर तमाम राजा और योद्धा मूल्यवान की तरह तरह के तकिए लेते आते हैं। तो भीष्म उनमें से एक भी न लेकर मुस्कुराकर कहने लगते हैं, ये तकिए इस वीर सैया के काम में आने योग्य नहीं है राजन। फिर वे अर्जुन की ओर देखकर कहते हैं, बेटा, तुम तो क्षत्रिय धर्म के विद्वान हो, क्या तुम मुझे उपयुक्त तकिया दे सकते हो। याज्ञा पाते ही अर्जुन ने अपनी आँखों में आंसू लिए, उनको अभिवादन कर भीष्म को बड़ी तेजी से ऐसे तीन बाण मारे जो उनके ललाट को छेदते हुए पृथ्वी में जा लगे। बस इस तरह को सिर को सराहना मिल जाता है। इन बाणों का आधार मिल जाने से सिर के लटकते रहने की पीड़ा जाती रही। दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बावजूद भीष्म क्यों नहीं त्यागते हैं प्राण। सरसैया पर लेटने के बाद भी भीष्म प्राण नहीं त्यागते हैं, जबकि उनका पूरा शरीर तीर से छलनी हो जाता है। फिर भी वो इच्छा मृत्यु के कारण मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं। भीष्म ये भली भांति जानते थे कि सूर्य के उत्तरायण होने पर प्राण त्यागने पर आत्मा को सदगत मिलती है और वे पुनः अपने लोक जाकर मुक्त हो जाएंगे, इसलिए वो सूर्य के उत्तरायण होने का इंतज़ार करते हैं। भीष्म ने बताया कि वे सूर्य के उत्तरायण होने पर ही शरीर को छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें अपने पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है और वो जब तक शरीर नहीं छोड़ सकते जब तक कि वो चाहें। लेकिन 10वें दिन का सूर्य डूब चुका था। भीष्म ठीक करने के लिए शल्य चिकित्सक लाए जाते हैं, लेकिन उनको लौटा देते हैं और कहते हैं, अब तो मेरा अंतिम समय आ गया है,
अब ये सब चीज़ें व्रत हैं, सरसैया ही मेरी चिता है, अब तो मैं बस सूर्य के उत्तरायण होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। पिता माँ की ये बातें सुनकर राजागढ़ और उनके सभी बंधु बांधव उनको प्रणाम करके प्रदक्षिणा करके अपनी अपनी छावनियों में लौट जाते हैं। अगले दिन सुबह होने पर वो सभी भीष्म के पास लौटते हैं। सभी कन्याएँ, स्त्रियाँ और उनके कुल के योद्धा पिता माँ के पास चुपचाप खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, पिता माँ ने पीने के लिए राजाओं से ठंडा पानी मांगा, सभी उनके लिए पानी ले आए, लेकिन उन्होंने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन समझ गया कि उसे अपनी गांडीव पर तीर चढ़ाया और पर्जन्यास्त्र का प्रयोग कर वो धरती में से जल छोड़ देते हैं। धरती से अमृत तुल्य सुगंधित बढ़िया जल की धारा निकलने लगती है। उस पानी को पीकर भीष्म तृप्त हो जाते हैं। दोस्तों, फिर भीष्म दुर्योधन को समझाते हैं कि युद्ध छोड़कर वंश की रक्षा करो। उन्होंने अर्जुन की बहुत प्रशंसा की और दुर्योधन को बार बार समझाया कि हमारी ये गति देखकर संभल जाओ, लेकिन दुर्योधन ने उनकी एक भी नहीं मानी और फिर से युद्ध शुरू हो जाता है। दोस्तों, अगले दिन फिर से सभी उनके पास इकट्ठे होते हैं। वो सेनापति कर्ण को समझाते हैं कि वे दोनों पक्षों में अपने अंतिम वक्त में संधि कराने की चेष्टा करते हैं। दोस्तों, भीष्म के सरसैया पर लेट जाने के बाद युद्ध और 8 दिन चला। दोस्तों, भीष्म यद्यपि सरसैया पर पड़े थे, पर उन्होंने श्री कृष्ण के कहने से युद्ध के बाद युधिष्ठिर का शोक दूर करने के लिए राजधर्म, मोक्ष धर्म और आपर धर्म का बड़ा मूल्यवान उपदेश बड़े विस्तार से बताया। इस उपदेश को सुनने से युधिष्ठिर के मन में से ग्लानि और पश्चाताप दूर हो गई। दोस्तों, बाद में सूर्य के उत्तरायण होने पर युधिष्ठिर और सगे संबंधियों, पुरोहित और सभी लोग भीष्म के पास पहुँचे हैं। तब उन्होंने पिता माँ से कहा, सरसैया पर मुझे 58 दिन हो गए हैं, मेरे भाग्य से माघ महीने का शुक्ल पक्ष आ गया, अब मैं अपना शरीर त्यागना चाहता हूँ। इसके पश्चात उन्होंने सब लोगों से प्रेम पूर्वक विदा मांगी और शरीर त्याग दिया। सभी लोग भीष्म को याद करके रोने लगते हैं। युधिष्ठिर तथा पांडवों ने पिता माँ के शरीर को शव को चंदन की चिता पर रखा और दाह संस्कार किया। दोस्तों, माना जाता है कि भीष्म ही युद्ध में सबसे अधिक उम्र के थे। उन्हें राजनीति का सबसे ज़्यादा अनुभव होने के कारण वेद व्यास ने संपूर्ण महाभारत में भीष्म को राजनीति का केंद्र बनाकर राजनीति के बारे में उन्होंने जो भी कहा उसका प्राथमिकता से उल्लेख किया है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और चैनल तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना बहुत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।